हरियाणा के मुंडलाना में पंचायत करके जैन चौधरी यहाँ से निकल रहे हैं। चौधरी साहब, क्या संदेश यहाँ से आप देकर निकल रहे हैं? समर्थन की पंचायत थी, जो गांव के लोग जो चाहते हैं कि पहलवानों के साथ न्याय होना चाहिए, मांग कर रहे हैं सरकारों से। सब लोग आए हैं, पीठ थपथपाई है पहलवानों की। बजरंग पूनिया आए थे यहाँ, उन्होंने अपनी बात रखी किस तरह से इस आंदोलन को आगे ले जाना है, उन्होंने अपनी रूपरेखा बताई। पहलवानों ने कहा कि हम सभी को बुलाएंगे, तब तक के लिए कोई निर्णय न लिया जाए। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, सूझबूझ की बात है, धैर्य रखना भी चाहिए लोगों को। ये सच्चाई है कि सरकार से मांगने से कुछ मिलता नहीं है, तो दबाव बना के रखना होगा। इसलिए इस प्रकार की जो पंचायतें हो रही हैं, एक सार्थक पहल है। अगर बात करें तो अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, चूंकि आप लोग गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, तो आगे जो भी निर्णय लेंगे पहलवान, तो क्या दोनों दल एक साथ आगे जाएंगे? बिल्कुल, हमारा उनसे तालमेल है, और जैसे पहले दिन से ही घटनाएं सामने आई, चीजें उजागर होने लगी, उसके बाद अखिलेश जी ने भी बयान दिया है। मैं उनकी बढ़ाई करता हूँ कि इस विषय पर उन्होंने ठीक स्टैंड लिया है, और बेटियों के साथ तो खड़ा होना ही पड़ेगा देश। एक जैन जी, आखिरी सवाल है, कन्नौज की घटना हुई है, सांसद सुब्रत पाठक के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पुलिस से मारपीट की है, अखिलेश जी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, रालोद का क्या स्टैंड है? दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, वर्दी का सम्मान होना चाहिए। अब सरकार के इस हवस को भी जनता उतार देगी, जो सत्ता का की हवस में लोग डूबे हुए हैं, ये नशा उतर जाएगा बहुत जल्दी। बहुत शुक्रिया से बातचीत करेंगे। ये जैन चौधरी हैं, जो कि तमाम सारे मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। कैमरामैन धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, मुंडलाना, हरियाणा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।